अफनान साहब 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आज ना बोलती ना मैं, तो अगले 10 सालों की खबर भी आपको नहीं पहुंचती, क्योंकि आपको लड़कियों के क्वालिफिकेशन से मतलब, उनके किरदार से नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम बिजनेस करते हैं, ये शादी का दफ्तर नहीं है जहां हम लोगों के लिए रिश्ते ढूंढे और उनकी पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हमें लोगों की क्वालिफिकेशन से ही मतलब है। तो फिर ठीक है, आपको लेडीज स्टाफ रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप उनको महफूज माहौल फराहम नहीं कर सकते, तो फिर जेंट्स का स्टाफ रखें, लेडीज का नहीं। अनवर, जब भाभी ने रमशा को इजाजत दे दी, तो आप और मैं कौन होते हैं उसे रोकने वाले? और हमारे मना करने से वो कौन सा रुक जाएगी? अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो, भाभी जी से रमशा और शानी की शादी की बात करो, उसके बाद उसे कहाँ रोकना है, कैसे रोकना है, ये मेरा काम होगा। मुझ पर रहन खाना छोड़ दे मिस्टर अफनान। रमशा, मैं तुम पर रहम नहीं खा रहा, ना ही तुमसे हमदर्दी कर रहा। तुम जिस जॉब के लिए आई थी, तुम उसके लिए क्वालिफाइड हो। कहा ना कि आपकी दी हुई कोई चीज नहीं छुई। आज के बाद कॉल मत कीजिए।